नहीं बाबा नहीं, हु नीड्स हॉलीवुड, आई लव माई बॉलीवुड। अब मुझसे किसी ने कंपेयर करवा दिया कि हॉलीवुड से कंपेयर करो, भाई मैं उसकी खाल खींच दूंगा। भाई स्त्री फ्रेंचाइजी का सेकंड पार्ट आ चुका है और बाबा मूवी देख ली है, रिव्यू करेंगे फटाफट विदाउट एनी स्पॉइलर। बाबा मूवी वहीं से शुरू होती है जहां से ये छोड़ी गई थी, एंड दिस मूवी हैज अ लवली लवली स्टार्ट, जो एक बार तुम्हें सीट से जोड़ के रखेगी और जोड़ के ही रखेगी एंड तक, तुम्हें बीच में हिलने तक का समय नहीं देगी। तो भाई सुसु वगैरह सब करके ही जाना, फ्रेश होके जाना, क्योंकि छोटी सी छोटी डिटेल भी मिस हो गई तो बाबा आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। स्त्री फ्रेंचाइजी बाबा उसी जोनरा पर काम करती है जो इसने शुरू किया था, कॉमेडी हॉरर मूवी जहां सीरियस कंडीशन पर भी भाई जहां जान माल का नुकसान होने का सवाल होता है वहीं पे ये कॉमेडी के पंचेस लेकर आते हैं। डायरेक्टर एंड राइटर प्लेज अ फैंटास्टिक ह्यूमर रोल, एवरी टाइम ये आपको फील कराएंगे कि योर टाइम इज नॉट वेस्ट, बस थोड़ा और हमसे जुड़े रहो, अंत तक जुड़े रहो, जम के बैठे रहो, इतना पैसा वसूल मोमेंट देंगे कि आपके जन्मों जन्मों तक ये याद रहेगा। और यस डेफिनेटली भाई पूरी मूवी में तशरीफ फाड़ेगी ये मूवी हॉरर के नाम पर, लेकिन बाबा आपको मजा भी पेल कर आएगा। जितना भी हम सोच रहे थे, जो ट्रेलर से भी आइडिया लग रहा था कि कहानी प्रिडिक्टेबल हो रही है, बाबा स्त्री फर्स्ट पार्ट से बढ़कर ये हमें दिखा भी क्या सकते हैं। तो ये मूवी आपको हर एक मोमेंट पर रॉन्ग प्रूफ करते चली जाएगी और मजे का पिटारा लेयर बाय लेयर खोलती जाएगी। सरकड़ा चंदेरी के उन एडवांस लड़कियों को उठा उठा कर ले जा रहा है जो मॉडर्न जमाने में ज्यादा घुल मिल गई है। कटा साला पुरानी सोच का ख्यालात का बंदा है जो सिर्फ चाहता है कि औरतें घर की चार दीवारी में बंद रहें और टाइम टू टाइम मर्दों को खुश भी रखें। सरकटे का आतंक जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो अपना चंदेरी की लोकल एवेंजर टीम इसको हंट करने को निकल पड़ती है, जिसमें विकी एज यूजुअल मेन रक्षक के रूप में हमें काम करते दिख रहे हैं। श्रद्धा जो मिस्ट्री गर्ल है वो भी भाई कहीं ना कहीं से आके ज्वाइन कर लेती है, कहां से आती कहां चले जाती कुछ पता नहीं लगता भाई साहब, लेकिन श्रद्धा भाई बाबा लास्ट तक मिस्ट्री गर्ल ही बनी रहेगी, नाम तक नहीं पता चलेगा एंड तक। हां सिर्फ विकी को नाम बताया इसने, वो भी कान में, वो भी लास्ट में, और श्रद्धा का भेद भी लास्ट में खुलेगा कौन थी। बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जुड़े रहना भाई, ये मैं यहाँ पर स्पॉइल करना नहीं चाहूँगा कि कौन थी कौन नहीं, लेकिन उसके बाद भाई साहब जना द चार्मिंग बॉय, व्हाट अ परफॉर्मेंस डिलीवर बाय हिम यार, सॉलिड काम। जो स्त्री में काम करके गया जना, जो भेड़िया पर काम कर गया, वही चाम को इसने स्त्री टू में भी फॉलो कर रखा है भाई, मजा आ जाएगा। जना यार मेरा फेवरेट कैरेक्टर होने वाला है यह बंदा। उसके बाद बिट्टू ऑल्सो लुक फैंटास्टिक, कालीन भैया उर्फ रुद्रा भैया क्या बवाल मचाया है इस बार इन्होंने, फुल टीम तैयार, लेकिन इस टीम को लास्ट में एक बंदा और ज्वाइन करेगा फ्रॉम मैडॉक यूनिवर्स, इट्स लाइक अ मार्वल यूनिवर्स, आगे देखते हैं तो तुम खुद देखना कौन है कौन नहीं, भाई स्पॉइल नहीं करूंगा। तो बाबा ये सब लोग सरकटे के आतंक को हंट करने जबरदस्त निकल पड़ते हैं, क्योंकि भाई शहर की जो लड़कियां हैं उन्हें भी बचाना है, और लास्ट में वो आती है वही जो मर्दों को बिना कपड़ों के उठा ले जाती है, लेकिन किसकी साइड से लड़ेगी वो तो मूवी में खुद देख लेना। अब दिस इज कॉल्ड सुपर डुपर पैक ऑफ फुल कॉमेडी ड्रामा ऑल्सो हॉरर ड्रामा, मूवी आपको एक भी जगह डिसअपॉइंट नहीं करेगी, उल्टा आपका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। राइटर एंड डायरेक्टर की दाद देनी पड़ेगी भाई इस चीज पर कि जिस रोड मैप पे उन्होंने स्त्री फर्स्ट पार्ट को बनाया था, सेकंड पार्ट भी सेम रूट को पकड़ के रखती है, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सेम वही स्टोरी प्लॉटिंग है, बस दो तीन किरदार नए चिपका दिए हैं और थोड़े से स्विंगर एंड यूटर्न एंड वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो भाई आप समझ सकते हो, मतलब सेम साइकिल को रिपीट करती है, लेकिन बाबा इसे नहीं देखा तो फिर क्या देखा, बॉलीवुड में ऐसा माल बार बार नहीं आता है, तो देखो मजे लो। और स्त्री टू सिर्फ एंडिंग नहीं है, ये शुरुआत है एक ऐसी एवेंजर की जो अपनी लोकेलिटी से जोड़ के रखती है, अपनी कल्चरल पावर से जोड़ कर रखती है, जहां कुछ उल जलूल चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। आई एम वेटिंग फॉर दिस अपकमिंग हॉरर कॉमेडिक एवेंजर्स, हाँ क्योंकि नई टीम लास्ट में फॉर्म होते नजर आई है भाई, साथ में दो सॉलिड कैमियो भी हैं। खैर तमन्ना भाटिया का तो सबको पता ही था, सॉन्ग में ही उन्होंने पहले ही रिवील कर दिया था, लेकिन बाकी के दो ऐसे क्लाइमैक्स पॉइंट पर आएंगे वो दोनों कैमियो, भाई दिल खुश हो जाएगा आपका। एक्चुअली क्लाइमैक्स एंड एंडिंग सुपर डुपर सॉलिड है, तो एंडिंग एक्सप्लेन पर एक नई वीडियो बनाएंगे अलग से। और बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इस मूवी को कितने स्टार देना चाहूँगा भाई, जिस हिसाब से इन्होंने हंसाया है, जिस हिसाब से इन्होंने स्टोरी दिखाई है, जिस हिसाब से इन्होंने पूरी मूवी को जमा के रखा है, 3.5 स्टार तो बनते हैं फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आउट ऑफ 5। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।